आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करूर वैश्य बैंक के बारे में। करूर वैश्य बैंक के Q1 के रिज़ल्ट आ गए, चेक कर लेते कैसे आया है करूर वैश्य बैंक के रिज़ल्ट। तो ये रहे करूर वैश्य बैंक के रिज़ल्ट। उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हम आपको बता रहे तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, ये फ्री है लाइक करना। ये है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में है। टोटल इनकम की बात करें 1,59,000 का लास्ट क्वार्टर, 1,56,000 का लास्ट ईयर, 1,69,000 का। तो इनकम घटती हुई देखने को मिली है, प्रोविजनिंग बैंक के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, डबल ऑलमोस्ट होने को आए हैं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो डबल ट्रिपल से ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,880 लाख का आया है, लास्ट क्वार्टर भी 10,400 था, लास्ट ईयर 10,500 था। प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एनपीए रेशो भी बड़ा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है Q1Q बेसिस। ओवरऑल बात करें ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पब्लिक बैंक के अंदर या बैंकों के अंदर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यही 3-4 बैंक है जो अच्छे लगते हैं। बाकी थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है।